हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ पोरो यानी कि पोई के साग और नूनी के साग दोनों को मिला करके पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इन दोनों का जो पकौड़ा है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये दोनों साग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। पोई के साग से जो खून की मात्रा है हमारे शरीर में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, तो इन दोनों सागों को हमें ज़रूर खाना चाहिए। नूनी का साग जो होता है साल में बस एक ही बार पाया जाता है, तो इसीलिए आज मैं दोनों सागों को मिला करके पकौड़े बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो दोनों साग को मैं चूंकि एक साथ बना रही हूँ इसलिए दोनों साग को मैं एक ही साथ कट करके एक ही साथ मिला ले रही हूँ। पर दोनों साग को वॉश करके मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है, एकदम बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। तो अब हम इसके पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए पहले हम इसमें कुछ मसाले और कुछ और जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे, क्योंकि जो पोरो का साग होता है और निनुए का साग होता है उसका जो टेस्ट है वो कुछ खास नहीं होता है, इसलिए काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता और लोगों को पसंद नहीं आता इसलिए लोग खाते नहीं हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी साग होता है तो इसलिए आप लोगों को ज़रूर खाना चाहिए। तो इसे किस तरीके से बनाया जाए ताकि घर के जो सारे मेंबर्स हैं वो इसे खा पाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बता रही हूँ थोड़ा सा मसालेदार थोड़ा सा फ्लेवर वाला यहाँ पे आपको पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपके घर के सभी मेंबर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं एक बारीक कटा हुआ प्याज, स्मॉल साइज का प्याज है, आप मीडियम या फिर स्मॉल दोनों ही साइज का ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का आलू, 3 से 4 हरी मिर्च, अगर ज़्यादा खा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद करते हैं तो 2 या 1 या फिर स्किप कर सकते हैं, जो चाहे कर लीजिए। घर में बच्चे हैं तो थोड़ा सा मिर्चा का पाउडर डाल दीजिए, हरी मिर्च स्किप कर दीजिए, क्योंकि हरी मिर्च जब बच्चों के मुंह में आती है तो फिर वो जो पकौड़े हैं वो खाना स्टॉप कर देते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अजवायन और कलौंजी के दाने। तो ये है कलौंजी और ये है अजवायन, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1/12 चम्मच बेसन या फिर 2 डाल सकते हैं जितना आपकी इच्छा हो। तो मैं यहाँ 1.5 डाल रही हूँ, ना तो 2 डाल रही हूँ ना 1 ही डाल रही हूँ। और अब हम डालेंगे राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, ये ज़रूर आप ऐड कीजिए, इसे जो आपके पकौड़े हैं काफ़ी क्रंची बनेंगे। तो यहाँ पे आपको राइस फ्लोर भी उतना ही डालना है जितना आपने बेसन डाला है। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब हम अच्छे से पकौड़ों के लिए जो मसाला है उसे यहाँ पे रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हाथों से आपको अच्छे से मैश करना है। आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि आपको पानी का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, साग के अंदर से जो पानी आ रहा है उसी पानी से यहाँ आपको पकौड़ों का मसाला सान लेना है। उससे क्या होता है कि आपके जो पकौड़े हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेंगे, क्रंची बनेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से यहाँ पे जो मसाला है वो तैयार हो पा रहा है, हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है पानी का, और जितने भी अंदर और राइस फ्लोर वगैरह हैं ये देखिए, तो सभी को हम एक साथ सान लेते हैं और उसके बाद हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पानी की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पकौड़ों के लिए जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम डाल देते हैं नमक। तो नमक यहाँ पे आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, मैं 1 चम्मच नमक का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है और नमक को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने पकौड़ों के मसाले में। और इसी के साथ जो हमारे पकौड़े का मसाला है वो यहाँ पर हो चुका है पूरी तरह से रेडी। तो आप भी ट्राई कीजिए कि आपके साग के अंदर जितना मॉइस्चर है उसी में आपके जो पकौड़े का मसाला है वो अच्छे से गुन जाए, उससे आपके जो पकौड़े का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। अगर आपको पानी की ज़रूरत होती है तो पानी की जगह पे आप 1 चम्मच जो ताज़ी वाली दही होती है उसका इस्तेमाल कीजिए, उससे आपके जो पकौड़े हैं वो काफ़ी अच्छे बनेंगे और उसका जो फ्लेवर है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किचन टिप्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पकौड़े को आप कैसा भी शेप दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप चपटे बना सकते हैं, ये देखिए कोई भी शेप यहाँ पे ले रहा है, लेकिन मुझे जो पकौड़े हैं वो छोटे छोटे जो गोले गोल होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी इस तरीके के। तो मैं तो इस तरह के बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो चपटे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पकौड़ों को फ्राई करना, क्योंकि मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए गैस पर डाला हुआ है। तो एक एक करके हम इसमें पकौड़े डालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से गोला गोला करके मैं यहाँ पे पकौड़े डाल रही हूँ। हल्का सा पानी लगा लेते हैं हम हाथों पे, इसे जो पकौड़े डालने में है वो आसानी होगी यहाँ पे हमें।
ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने अपने हाथों पे लगा लिया है और इस तरीके का पकौड़े का मसाला लिया, इस तरीके से गोल किया और डाल। पकौड़ों का जो यहाँ पे हमने मसाला तैयार किया है वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, उसमें पानी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो फिर जो आपके पकौड़े हैं वो कढ़ाई में ही फैल जाएंगे, वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पे मसाला आपको बहुत ही गाढ़ा रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। इसे जो हमारे पकौड़ों का मसाला है वो बिल्कुल गाढ़ा है, आराम से शेप ले रहा है, तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर आप न्यू कुकिंग कर रहे हैं तो। तो ये देखिए यहाँ पे अब कढ़ाई हमारी भर चुकी है और हम अब और ज़्यादा पकौड़े यहाँ पे नहीं डालेंगे। अब हम पकौड़ों को पलट लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको पकौड़ों को पलटने में भी, आराम से ये पकौड़े जो है सो पलटा जाते हैं। और जिस तरीके से प्याज वगैरह के पकौड़े टेस्टी लगते हैं खाने में, आलू के पकौड़े टेस्टी लगते हैं खाने में, उसी तरीके से ये पकौड़े भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जितिया के स्पेशल अवसर पे बनाया जाता है, तो आज जितिया का पारण है इसलिए मैं बना रही हूँ। तो चूँकि जितिया तो अब निकल चुका है तो आप नेक्स्ट ईयर इसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर अभी कुछ दिनों तक जो नूनी का साग है या फिर पोरो का साग है वो अभी मिलेगा मार्केट में, तो फिर अगर आप चाहें तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं कुछ दिन तक, क्योंकि जब फेस्टिवल ख़त्म होता है तो हमारे बिहार में कुछ दिन तक ये साग मिलता है मार्केट में। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर ट्राई कीजिए जितिया के पारण के दिन या फिर जितिया के नहाए खाए के दिन। फ्रेंड्स आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये पकौड़े की रेसिपी, और अगर आप लोग को पसंद आएगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से पलटेंगे। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है आपको पकौड़े फ्राई करते समय, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो पकौड़े जो हैं वो क्रंची नहीं बनेंगे। 100 फ्रेंड्स ये देखिए अब जो हमारे पकौड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका जो कलर है बिल्कुल गोल्डन कलर का हो चुका है, और कितना यमी लग रहा है ये देखने में। जितना यमी ये देखने में लगता है फ्रेंड्स उतना ही यमी ये खाने में भी लगता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी बचे पकौड़ों को भी यहाँ पे कर लेंगे फ्राई। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स टेक केयर एंड गुड बाय, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।